हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। तो गेस करें इस डिब्बे में क्या है। वो होप्स हो आप लोगों ने खुद ही गेस कर लिया होगा टाइटल और थंबनेल से, बैंगल्स कलेक्शन। तो मैंने आज डिब्बा खोला था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ अपनी बैंगल्स कलेक्शन। वैसे मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, ऐसी ही पड़ी थी। तो चलिए देखते हैं मेरी बैंगल्स कलेक्शन। तो हम ओपन करते हैं इस डिब्बे को, लेट्स ओपन इट। वाओ, हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, ऐसे ही पड़ी थी। वैसे मैं भी अब काफ़ी दिनों बाद ही देख रही हूँ। और मैं चूड़ी स्टैंड में भी नहीं रखी हुई, होना तो चाहिए था चूड़ी स्टैंड, लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, ना डाली तो मैंने लिया ही नहीं, चूड़ी स्टैंड तो मैंने लिया ही नहीं। फिर अब ऐसे ही डिब्बे में रखी हुई थी, आज खोली हैं तो काफ़ी ज़्यादा। वैसे चलिए काउंट करते हैं है कितनी, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा खासा है भाई, 17 है मेरे पास चूड़ियाँ। चलिए अब बारी बारी देखते हैं सेट। ये सेट पता नहीं अब किसी ने गिफ्ट किया था या ऐसे ही है। ये मुझे ख्याल में शायद मेरी बरी में था, ये आंटी लोगों की तरफ से था। ये भी मेरी ईद पे ईदी थी, जो टी एट पे मुझे लास्ट की तरफ से ईदी मिली थी, तो उसमें था ये सेट। ये भी प्यारी है, वैसे ऐसी पड़ी हुई है, डाली कोई नहीं। और ये वाला सेट ये मैंने खुद से लिया था, किसी ईद पे लिया होगा। तो ये भी बड़ा प्यारा कलर, ब्राउन सा है, ये भी प्यारा सेट है। और ये सेट मेरी छोटी बहन को मेरी इन लाज ने ईदी पे दिया था, ईद पे, छोटी ईद पे शायद, तो उसकी ईदी थी, मैंने ले ली। ये मैंने अपने पास रख लिया, ये मुझे प्यारा लगा था सेट, तो ये मैंने उसको कोई नहीं दी। मैंने कहा चलो मैं रख लेती हूँ, वैसे डालती वो भी नहीं है, मैं भी नहीं डालती, लेकिन मैंने अपने पास रख ली। और ये जो सेट बड़ा प्यारा सेट है, ये मैंने मेहंदी पर डाला था अपनी, दो सेट बनवाए थे मैंने, ये और ये दोनों सेट मैंने अपनी मेहंदी पे डाले थे। ये मैंने खुद बनवाई थी शॉप से, बड़ा प्यारा सेट। और ये भी मुझे अच्छी लगी थी मेहंदी के लिए, ये पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने अपनी मेहंदी पे डाले थे कि नहीं डाले थे, लेकिन ये मैंने वैसे मुझे अच्छी लगी थी शॉप पे, मैंने ले ली ये। तो ये किसी की मेहंदी शेंदी हो या फंक्शन वगैरह हो ना शादी का, तो आराम से डाल के जा सकते हैं बंदा, ये बड़ी प्यारी लगती है डाली हुई। तो ये भी प्यारी सी हैं चूड़ियाँ मेरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इनको मैं रख देती हूँ साइड पे। अच्छा जी, जगह नहीं मारी। ये देखते हैं ओपन करके, ये ओह ये सिंपल, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं सिंपल सी, हर कलर की होनी चाहिए वैसे इस तरह की सिंपल सी। ये गोल्ड सी हैं, तो ये मैंने वैसे मैं दर्जन या दो दर्जन लेके रख लेती हूँ सिंपल से, सेम कलर की ना, वो अच्छी लगती हैं डाली हुई कांच की। अच्छा ये भी एक सेट है, ये भी प्यारा कलर है पिंक सा, तो ये भी मैंने खुद ही लिया होगा फिर किसी शादी वगैरह पे, किसी कज़न शज़न की शादी होगी। और ये सिंपल रेड कांच की, सिंपल वैसे सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल लगती हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये पता नहीं ये मैंने कब ली, ये तो बहुत ही पुरानी है, मुझे तो लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी में ली हूँ या कब ली हूँ, ऐसे ही कलेक्शन रखी हुई है, यूज़ कम ही करती हूँ ये। वैसे इसके ऊपर नरम सी हैं, ये कपड़ा सा लपेटा हुआ है इसके ऊपर, ये वेलवेट के कपड़े से कवर हैं, और ये कांच की नहीं है, ये अच्छी हैं ऐसे कड़े टाइप की हैं ये। अच्छा जी, इसको भी बंद करके रख दें साइड पे, हो गई। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसको खोलते हैं, ये कौन सी वाली हैं। ओ मल्टी कलर की, मल्टी कलर का फ़ायदा ये होता है कि ये हर ड्रेस के साथ डाली हुई अच्छी लगती हैं, चल जाती हैं हर कलर के साथ। तो इसमें पारा पारा शाइन्स है, इसमें गोल्डन सी है, और देखें हर कलर का शाइन्स आ रहा है इसमें, मल्टी सी कलर की हैं ये। तो ये भी कांच की हैं, ये भी ऐसी पुरानी है काफ़ी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी हैं। ओ ग्रीन, ये फिर कज़न की शादी पे ली होंगी, सिंपल सिंपल सी मेहंदी पे, तो इस तरह की सिंपल अच्छी लगती हैं वैसे। अच्छा जी अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये स्काई ब्लू सा है सेट, ये भी ऐसी पसंद आया होगा, मैंने लेके रख लिया होगा, फिर डाला है कोई नहीं किसी भी ड्रेस के साथ। और ये बहुत प्यारी चूड़ियाँ, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने बनवाई थी स्पेशल अपने वलीमे के लिए, वलीमे का मेरा सिल्वर और पर्पल कलर का ड्रेस था, मैक्सी थी, तो उसके साथ मैंने बनवाई थी। ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत, ये बहुत प्यारी हैं।
अब लोग बोर तो नहीं हो रहे ना मेरी बैंगल कलेक्शन देखते हुए। ये कलर कम्बिनेशन भी मेरा वलीमे का ड्रेस का ना बड़ा खूबसूरत था, पर्पल दुपट्टा था और ये सिल्वर कलर की मेरी मैक्सी थी काम हुआ हुआ था, तो इसके साथ ये बड़ी प्यारी लगी थी। एक साइड पे ये थे, दूसरे साइड पे मैंने जो है कंगन डाले थे आर्टिफिशियल, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी। तो इसमें अभी सिर्फ बैंगल्स दिखा रही हूँ, सो इन्जॉय करें बैंगल्स देखते हुए। चूड़ियों को वैसे बंद करना सबसे मुश्किल काम होता है, मुझे तो आज तक बंद नहीं करनी आई। चलिए मैं इसको बंद करके रखती हूँ अब, और फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। चूड़ियाँ सिर्फ लेने का मुझे मज़ा आता है, डालती मैं बहुत ही कम हूँ। भी चीज़ें खरीदने का बड़ा मज़ा आता है, चीज़ों की कलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए लड़कियों के पास, चाहे फिर यूज़ करें तो ना करें, लेकिन जमा करने का चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ये सिंपल ब्लू, ये भी प्यारी है सिंपल सी ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आखिरी सेट है, सारी देख ली और आखिरी सेट में देखते हैं कौन सी। ओहो ये तो बहुत ही कोई पुरानी सी हैं, पता नहीं कब की रखी हुई है मैंने। ये ओपन करते हैं, हाँ ये कौन से पारा सा है, पता नहीं अभी इसमें पारा ऐसे ही था या उतर गया है। ओहो वॉइस ओवर करते मेरी बेटी भी रो पड़ी है। तो ये बड़ी पुरानी सी हैं, कभी यूज़ ही नहीं की, मुझे लगता है पता नहीं इसका पारा भी उतर गया अब। ओके जी बैंगल्स कलेक्शन फिनिश और उसके साथ व्लॉग भी ख़त्म। तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है मेरा व्लॉग कैसा लगा, मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।